आज आपने देखिए देश में उदाहरण है, आज लालू प्रसाद यादव जी ने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा, उनका समाज ने उनको नेता माना और बिहार में तीन तीन बार मुख्यमंत्री बने, दो बार खुद बने, एक बार अपने धर्मपत्नी को बनाया और आज देखिए उनका समाज कहां से कहां पहुंच गया। उससे पहले देखिए पासवान जी, हमारे स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी दलित समुदाय से आते थे और उनका समाज देखिए पूरे हिंदुस्तान के लोग उनको जानने लगे, पहचानने लगे। उत्तर प्रदेश में देखिए मुलायम सिंह के नाम पर, उत्तर प्रदेश में देखिए बहन मायावती के नाम पर, चाहे वह अभी नीतीश कुमार जी का नाम ले लीजिए, जब भी जिन लोगों ने सत्ता में पावर में आया अपने लोगों के लिए काम किया। आज आप देखते होंगे कि आपके गांव में आपका एक वार्ड बनता होगा, आपका समाज का लोग, तो आप उनको जाते हैं, बैठते हैं, उनको अपने मजबूती से अपनी बात को रखते होंगे, चाहे मुखिया जी हो या आपके विधायक हो या आपके मंत्री हो, वो आपके लिए सोचेंगे। दूसरा लोग आपके बारे में क्यों सोचेगा, दूसरे लोग आपके बारे में सोचेगा क्यों, वो अपने लिए सोचेगा, अपने परिवार के लिए सोचेगा, अपने समाज के लिए सोचेगा, आपके लिए क्यों सोचेगा। आपके लिए तो आपका ही भाई, आपका बेटा, आपके अपने या खुद आप सोचिएगा, दूसरा क्यों सोचेगा। आज मैं क्यों सोच रहा हूं आपके बारे में, क्योंकि मैं एक मछुआरा मल्ला परिवार में जन्म लिया। अगर मैं भी अगर बाबू साहब के घर में जन्म लेता तो मैं इतने धूप और गर्मी में आपके बीच में क्यों आता, मुंबई के ऐशोआराम जिंदगी को छोड़कर यहाँ पे क्यों आता। आज बीजेपी ने कहा कि सहनी जी पार्टी उटी बंद कीजिए और पार्टी विलय करके हमारे साथ आ जाइए, अगला मुख्यमंत्री आपको बनाएंगे। अगर हम दूसरे समाज से रहते तो हम उसकी बात मान लेते, पार्टी विलय करके और आगे मुख्यमंत्री का सपना देखते, लेकिन हमने कहा नहीं, हम संघर्ष करेंगे। तुम जो मुख्यमंत्री हमें बनाओगे किसका वोट से, वोट हमारा, अब मुख्यमंत्री तुम बनाओगे, हमारे पास जब वोट है तो हम खुद चुने मुख्यमंत्री बनेंगे। भाई देखिए लालू प्रसाद बने ना, हमारे जितना वोट उनके पास भी है और तीन तीन बार मुख्यमंत्री बने, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने, उनके पास कितना वोट है, 4% वोट है और हमारे पास 14% वोट है, फिर हम क्यों नहीं मुख्यमंत्री बन सकते। तो ये लड़ाई लड़ने के लिए मैं आप लोगों के बीच में हूँ। मेरे बारे में माता बहन को नहीं पता होगा, नौजवान साथी मंच पे बहुत सारे लोगों को पता होगा जो सोशल मीडिया से चलते हैं। इसको हटा लीजिए, आवाज़ आ रहा है, इसको हटाइए, पीछे कर लीजिए, बंद कीजिए। आप, मैं गरीब मछुआरा परिवार में जन्म लिया, पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे, ऐसे घर में मेरा जन्म हुआ और 18 साल की उम्र में, जिस उम्र में बच्चे को माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार अपने गांव में रहने का समय होता है, उस समय में अपने घर परिवार को छोड़कर मैं मुंबई जैसे शहर चला गया। वहाँ पे मैंने मेहनत किया, मजदूरी किया, रहने के लिए जगह नहीं था, खाने के लिए व्यवस्था नहीं था, मैं मात्र 900 रुपया महीने पे नौकरी करता था। 900 रुपया का मतलब हुआ 30 रुपया रोज पर, मैं 30 रुपया रोज पे मजदूरी कर मैंने अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया। मेहनत, लगन, आप लोगों के आशीर्वाद से मैंने एक समय आया कि मुंबई में बेहतर जिंदगी जीने लगा, ऐशोआराम जिंदगी जीने लगा। लेकिन मुझे लगा जब मैं बिहार आया तो मैंने देखा कि लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहे हैं, लोग बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं, लेकिन हमारे लोगों के लिए इस धरती पे घर नहीं है, उनको कोई सुन नहीं रहा है। और उसके लिए मैं लड़ाई लड़ने के लिए मैं बिहार आया और बिहार में लगातार आपके साथ रहा, आपके दिलों को हमेशा कोशिश किया कि आप हमें अपना नेता माने, मैं ऐसा हमेशा काम करने के लिए लगा और आप लोगों ने भी माना कि हमारा अपना भाई अपना बेटा है और आपने सनत मल्ला को पूरे प्रदेश में नेता माना। और नेता माना इसलिए, बिहार में लोग कहते थे मल्ला मतलब बिन बेलदार नुनिया मल्ला, निषाद के 22 कुड़ी है, हम लोग अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, लोगों को पता ही नहीं कि हमारी संख्या कितना है।
कहीं हम भिंड के नाम से रहते हैं, कहीं बेलदार रहते हैं, कहीं महतो लिखते हैं, कहीं चौधरी लिखते हैं, कहीं मुखिया लिखते हैं, है एक ही, लेकिन हम पांच नाम से जाने जाते हैं। कहीं पे सहनी लिखते हैं, कहीं केवट लिखते हैं, कहीं चौधरी लिखते हैं, कहीं पे गंगोता लिखते हैं। हम 48 नाम से पूरे बिहार में जाने जाते हैं। ये पहले किसी को नहीं पता था। जब हम लोगों ने आया पूरे बिहार को बताया कि ये देखो मेरी संख्या इतना है और इतनी ताकत है, और हमने पार्टी बनाया 2018 में, और आप लोगों ने भरपूर सहयोग दिया और गांधी मैदान में दिखा दिया कि हम निषाद का बेटा है और निषाद संघ अब मल्ला मुकेश सहनी के साथ है। आपने 5 लाख निषाद का ताकत वहां पे आपने दिखाया। पूरे बिहार के पॉलिटिकल पार्टी में हड़कंप मच गया कि नहीं, मुकेश सहनी के पास भी वोट है। फिर लोकसभा चुनाव आया 19 में, लालू जी ने 3 लोकसभा सीट दिया। जब हमारे समाज को जिंदगी भर पार्टी में लोग काम करा लेते हैं, लेकिन एक विधायक और एक सांसद का टिकट नहीं देते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि इनको मैं क्यों दूं। और हमने टिकट नहीं, सीट उन्होंने देने का काम किया, लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हुआ। 2020 में लड़ाई लड़े, भाजपा को एहसास था कि मुकेश सहनी हमारे साथ नहीं रहेगा तो हमारी सरकार नहीं बनेगा। उनको भी निषाद समाज के सामने में, वीआईपी पार्टी के सामने में झुकना पड़ा और 11 सीट और 1 एमएलसी देने का वादा किया, और फिर हम लोगों ने उनके साथ रहा। जब उनके साथ रहा तो 74 विधायक वो बनाए और हम लोगों ने बिहार में सरकार बनाया। कभी कोई कल्पना नहीं करता था कि मछली मारने वाला बिहार में राजनीति करेगा, लेकिन मैंने आप लोगों के सहयोग से मैंने करके दिखाया। आज जो बिहार में ये मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी है, उसको किसने बनाया? निषाद मल्ला का बेटा ने उसको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। अगर उस रोज, क्योंकि आपको पता है कि एनडीए गठबंधन में 125 विधायक पे सरकार बना, और 125 में 4 विधायक का समर्थन वीआईपी पार्टी का था, और किसी भी सरकार बनाने के लिए 122 का बहुमत चाहिए था, और 4 निकाल दीजिए तो 121 होगा, सरकार नहीं बनता। हमें तो लालू प्रसाद यादव ने ऑफर दिया कि आप आइए, आपको डिप्टी सीएम बना देते हैं, आपको सभी विधायक को मंत्री बना देते हैं, आप हमारे साथ आ जाइए, लेकिन हमने कहा नहीं, हम निषाद हैं, हम फूलन देवी के वंशज हैं, एकलव्य के वंशज हैं, अमर शहीद जुब्बा सहनी के वंशज हैं। हम कभी किसी के साथ गद्दारी नहीं करते हैं, हम उनके साथ अगर रहते हैं तो सीधा सामने से रहते हैं, हम कभी किसी के साथ गद्दारी नहीं करते। और हमने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को समर्थन दिया, आज उनको बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। और जब सरकार हमारा बना तो हमने कहा, भैया ये 4 पार्टी की सरकार है, वीआईपी पार्टी की, हम पार्टी का, बीजेपी और जेडीयू, ये 4 पार्टी के सहयोग से सरकार बना है, और जब काम होगा तो चारों पार्टी का कहने पे काम होना चाहिए पूरे बिहार में। और जब मैंने काम करने लगा, हमने अपने विभाग में 500 करोड़ रुपए अतिरिक्त हमने बजट बनवाया। जब हमने सोचा कि पूरे बिहार में जितने भी तालाब है उसमें अतिक्रमण हो रहा है उसको मुक्त कराया जाए, हमने सोचा जितने भी बिहार में तालाब है उसको बाउंड्री कराया जाए, हमने सोचा गरीब मछुआरा के लिए 90% अनुदान देने का आवश्यकता है अति पिछड़ा को। हम जब ये करने लगे, हमने सोचा 10 लाख पशु को लाकर बिहार में गरीब मछुआरों को दिया जाए ताकि वो अपने घर परिवार को चलाए, मछुआरा आवास बने। नमस्कार साथियों, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देने के लिए आया हूँ। लखनऊ के अंदर मात्र 600 रुपए से 1200 रुपए स्क्वायर फीट के बहुत सस्ते प्लॉट, और जिस रेंज में आप लोग चाहें और जितने क्षेत्रफल के आप लोग चाहें, चाहे 600 स्क्वायर फीट हो, 800 हो, 1000 हो, बहुत सस्ते दामों में लखनऊ के अंदर आप लोगों को मिल रहे हैं। जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए और इस नंबर पे फ़ोन करिए जो डिस्प्ले हो रहा है, कहीं ये मौका आप लोगों के हाथ से छूट ना जाए। और फिर मौका अगर एक बार आप लोगों के हाथ से छूट गया तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी, तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए और इस नंबर पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑन करें। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से, चैनल को प्यार और देते रहिए अपना साथ। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।